हम लोग इस वक्त हैं पताया के बहुत ही फेमस नाइट मार्केट में, जोमटियन नाइट मार्केट। सो वी हैव प्लेंटी ऑफ स्ट्रीट फूड ऑप्शंस है, और आज का रात का हमारा डिनर जो है वो यहीं पे होने वाला है। इंडियन फूड, करीज, ये सब भी मिलता है यहाँ पे। ये देखो भाई, वेजिटेबल्स स्प्रिंग रोल्स फ्रॉम रशिया, नाइस। It's so juicy, it's tender, it's smoky. तो हम लोग अब सुशी खाने वाले हैं यार। बहुत टाइम से क्रेविंग हो रही थी सुशी खाने की। थाईलैंड में आपको सिर्फ 10 बात में सुशी मिल जाएगी। ओके, सो कौन कौन सी हम ट्राई कर सकते हैं? Excuse me, which one is this one? Excuse me, this one, which one is this? I know, I want without seafood. No English? I want without seafood. No seafood. तो भाई एक तो मैंने ये सैलमन वाली ले ली है, ठीक है, एंड ये सीवीड है, ये भी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो ये व्हाट डज इट हैव? अरे यार बोलते नहीं मैं। एक्सक्यूज मी, व्हिच वन इज दिस? श्रिम्स? ओके, नो श्रिम्स, नो श्रिम्स। ओके, चीज़, ओनली चीज़। तो भाई एक ये ले लिया मैंने, दिस एग, एग, या ओनली एग, एग एग ही है, एग ही है। ऑलराइट, एंड दिस वन पोक, पाला, फिश, दिस इज फिश, या ऑलराइट, लीजिए यार। How much? 40 baht? Yeah. Okay. I'll eat and I'll give, okay? Eat. English सीख ले चाचा, तुम्हें English नहीं आएगी तो तुम्हारा काम धंधा चलेगा ही नहीं। आगे भी एक सुशी वाला है, वो ख़त्म भी हो गया सब बेच बूच के। मुझे लगा इसके पास वैरायटी ज़्यादा है तो मैं यहाँ आके खाऊँगा। इन दोनों को English नहीं आती है। इशारों से बातें हो रही हैं यार। इसमें अगर सी फूड हुआ ना तो मैं इन लोगों को गोली मार दूंगा, क्योंकि इनको इंग्लिश आती नहीं है। फिश फिश बोल रहे हैं बस, ये फिश मैं खा सकता हूँ। सोया सॉस, ओके, थैंक यू भाई। मैं देखो फिश खा सकता हूँ, चिकन खा सकता हूँ, मटन खा सकता हूँ, पोक खा सकता हूँ, रैबिट खा सकता हूँ, कबूतर खा सकता हूँ, बहुत चीज़ें खा सकता हूँ, लेकिन मैं सी फूड नहीं खा सकता, मुझे एलर्जी है उससे। सो आई एम गोना ट्राई दिस फिश वाला पहले, ठीक है। लुक्स रियली गुड यार, बट ओनली प्रॉब्लम इज सालों को इंग्लिश नहीं आ रही है। यार मुझे ये टेस्ट ना बड़े अच्छे लगते हैं। बस सुशी भी जो है ना, मुझे मेरी पसंद की चाहिए। पहले वाली खाइए ना, ये फिश वाली फिश है, सेसमी सीड्स हैं, ये बहुत सही लगी मुझे। ऑलराइट, सो दिस इज़ द चीज़ वन, ठीक है, ये है चीज़ वाली, लेट्स ट्राई दिस वन। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ी है। और ये है लास्ट वन, ये है एग वाली, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ये भी अच्छी थी, 4 CCs डाउन एंड आउट। एक और खाऊंगा, इनको सीधा 50 बार दूंगा, और फिर तो दिस वन इज विद द ट्यूना,
ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी थी यार, बट ठीक है, लाइट है, अच्छी भी है। 50 वाट में 5 तरह की सुशी मुझे नहीं लगता और कहीं मिल सकती है। ये देखो यार, पचास वाट का नोट ढूंढ रहा हूँ, इनके 500 का निकल रहा है। ये है इनकी 100 baht की करेंसी, ठीक है, बट आई एम पेइंग 50 baht। थैंक यू। इंग्लिश तो तुम आती नहीं सी, पर ठीक है, बच गए हम। अच्छा खाना खिला दिया आपने, गुड सुशी मैन, थैंक यू। बट लर्न इंग्लिश, हाँ इंग्लिश, हाँ थोड़ा थोड़ा सीखो, पंजाब हो तो पंजाबी सिखा देंगे दो दिन थोड़ी। गुड, चलो आगे चलते हैं, लेट्स फाइंड समथिंग एल्स। सो थाईलैंड आए और पाद थाई नहीं खाया तो बहुत ही अनफेयर होगा। वी आर एट द मिस्टर बूम्स और जोमचियन नाइट मार्केट के बहुत ही फेमस पाद थाई, तो मैंने बनवाया अपने लिए चिकन पाद थाई। कैन यू सी दैट, एक थोड़ा गिर गया था, फिर से सही किया, शॉर्ट में ठीक करा। Nice. अच्छा पाद थाई बनाने की अदा भी है यार इसमें, थिएटर भी है थोड़ा सा, बहुत स्टाइल से, बहुत मज़े से, बहुत अपनी धुन में ही बना रहे हैं ये। बूम मिस्टर बूम बूम, आई थॉट यू आर मिस्टर बूम, नॉट बूम बूम। हाँ मिस्टर बूम बूम, Mr. Boom, say something nice, na? About your food, about your, about the pad thai. Nahi market. Oh, everybody know me. What's the pipe? A bit. There we go. How much? 60 baht. 60 baht. Kop kung kap. देने लगा हूँ। नहीं नहीं, ये है ना मेरे साथ, इसके साथ खाऊंगा। दिस इज़ टू मच फॉर मी। तो गाइज, दिस इज़ माई मेन कोर्स फॉर टुडे, मिस्टर बूम बूम का बहुत ही फेमस पाद थाई। अरे यार, इनका प्रिपरेशन बहुत अमेजिंग था, एंड दिस लुक्स रियली 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 स्पेक्टेकुलर, लुक एट दिस। ठीक है, अभी बज गए हैं थाईलैंड में 9 बज चुके हैं, इंडिया में 7:30 बजे हैं, तो आई थॉट डिनर मैं टाइम पे ही करूँगा। सो चिकन पाद थाई, हियर वी गो। ओए होए 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 होए, अरे अन्ना दिया मिर्चा ही मार देंगी हैं यार। थाईलैंड की मिर्चों का फ्लेवर ही अलग है, कुछ अलग ही है इनका है यार सब। सो ये नूडल्स होते हैं बेसिकली पाद थाई में, और इसको आपने प्रिपरेशन तो देख ही लिया किस तरीके से बनाते हैं, तो उसके बारे में और मैं क्या बताऊं। बट ये है,
दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्नेचर आइटम्स, मोस्ट सिग्नेचर स्ट्रीट फूड जो आप थाईलैंड में आपको इजीली मिल जाएगा. ओह यार, आई लव थाई फूड यार, द फ्लेवर्स आर जस्ट सो अमेजिंग. बहुत सारे लोग हैं उनको यार थाई फूड नहीं पसंद आता, वो कहते हैं यार ये हमारी सेंसेस को ही नहीं पसंद आते, अलग ही इनका टेस्ट होता है, अलग ही फ्लेवर होते हैं. मुझे ये जेन्युइनली पाद थाई पसंद आया, बहुत टाइम के बाद असली पाद थाई जो होता है ना मैं खा रहा हूँ. डिलीशियस. आई एम लविंग इट यार. बोलना बंद करना होता वही जीतो होए होए कर रहा बार बार, बंद करो. ठीक है यार, तो ना इसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद लास्ट एक चीज़ मैं और कहूँगा, जोमटियन नाइट मार्केट में डेजर्ट. तो एक अंदर मोहतरमा थी, उन्होंने बोला था आई वेट फॉर यू, तो उसकी भी डेजर्ट खानी है. उसकी नहीं मतलब, अरे यार ये खुद बेच रहे हैं और इनको खुद को फ्लेवर ही नहीं पता. वो बड़ी दिस वाज क्रीम वन, नो आईडिया व्हाट यू मेक इट, व्हाट यू मेक इट. ओके दिस इज देयर डोनट. अब हैरानी की बात ये है कि इनको व्हाट फ्लेवर इट इज, मैं टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ अगर मुझे पता लग जाता है. ग्रीन एप्पल नहीं, कीवी. आई नो दिस फ्लेवर बट टेस्ट करते हैं उसको. नहीं है क्या ये? यार बड़ा अच्छा, डिलीशियस है क्या? कैजुअल मत पकड़ यार, क्या अच्छा टाइट यार. ये बड़ा जाना बजाना सा फ्लेवर है पर माइंड में नहीं आ रहा. एनीवेज है डिलीशियस, दैट व्हाट इट मैटर्स. दे आर ब्लूबेरी, दे आर वनीला और ये एक ग्रीन सा. चलो इसको ख़त्म करते हैं यार, अब हम जाएंगे अपने होटल. आज जल्दी सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे, बहुत थके हुए हैं. मिलेंगे आपको कल एक नए दिन, नई बहुत सारी वीडियोस. कल की यार वीडियो बड़ी एक्साइटिंग है, मिस मत कर देना. अभी नहीं बताऊंगा हम कहाँ जाने वाले हैं, बट इट्स गोना बी फन. आई विल सी यू टुमॉरो. यार ये एक ड्रिंक है जो मैंने थाईलैंड में पी थी पहली बार, 7-Eleven से मिल जाती है. दिस इज़ अमेजिंग यार. ये वाइन कूलर है, रेड वाइन का फ्लेवर आता है, ये बहुत अल्टीमेट है, मस्ट ट्राई भाई.